कांग्रेस ने सत्तावीस साल लोगों ने उनको वोट दिया पहले तीस साल सत्ता में थे उसके बाद लोगों ने उनको फिर वोट दिया के नाम पे तो वोट दिया मगर कांग्रेस में वो ताकत क्षमता हिम्मत नहीं रही कि वो भाजपा को हरा सके सत्तावीस साल से भाजपा जाके सत्ता के अंदर बैठ गई तो किसके कसूर से अब हम जा रहे हैं हम एक विकल्प के तौर पर वहां पर मौजूद हो रहे हैं तीसरी जगह है, आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी का तो क्या बोलना हमने तो उसका नाम ही रख दिया है छोटा रिचार्ज आज चुनाव लड़ने के पहले ही उनकी पहली विकेट क्या चले मतलब गई ये क्या मतलब ये छोटा रिचार्ज का किस तरह है? से फॉर्म भर के जाके छोटा रिचार्ज का मतलब क्या है बीजेपी जैसा मोदी बड़े रिचार्ज है छोटा रिचार्ज है मोदी जी का ये छोटा रिचार्ज ये भेजा गया है आरएसएस का पिट्ठू बनाकर वहां पर जाके हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं उनको एक हिंदुत्व की तो होड़ लगी है ना जब जैसे मोदी जी ने बता दिया मैं बड़ा हिंदू हूं डेढ़ लाख दीपक जला दिए दिवाली में गए जाइए अच्छी बात है वहीं पर ये छोटा रिचार्ज चले गए ये तो नोटों के ऊपर भी भगवान की फोटो लगाने की बात कर रहे हैं ये उनसे भी भारी अब इनको आप सवाल कर लो इनके मंत्री को आप जैसा कोई पत्रकार के बताइए बिल किस बानू पे आपका क्या बोलना है साफ बना कर देते हैं नहीं हमको उस पर कुछ नहीं बोलना अरे आपको सेक्युलर वोट चाहिए मुसलमानों के वोट चाहिए तो के वोट चाहिए लेकिन उनका मसला आया साफ इनकार यूसीसी पे कोई बात नहीं करेंगे कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए या वो नहीं ला सकते हैं कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या छोटा रिचार्ज का काम नहीं हुआ दोनों अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा लीडर बनाने की होड़ में लगे हैं और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए ही भाजपा और ये आम आदमी पार्टी आया है लेकिन आम आदमी पार्टी तो मेरे को लगता दो सी भी नहीं जीतने वाला है पहले विकेट तो आज चले गई और लोगों ने उनको धुतकार दिया आम आदमी पार्टी गुजरात का अंजना जी बजट है पूरे साल का ढाई लाख करोड़ आप वाले ने डिक्लेयर कर दिया तीन लाख करोड़ की रेवड़ी बांट डालेगा अरे कहां से लाएंगे भाई पचास लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बजट कहां से लाएंगे आप ये फिर से कोई गफला करेंगे स्कैम करेंगे अरे देश के अंदर जिसने गफला कर दिया जिसने फ्रॉड कर दिया वो जेल में है उसका फ्रॉड इन लोगों ने कर दिया कितने बड़े फ्रॉडस्टर निकले ये अब ये वहां पे जाके गुजरात की जनता का फ्रॉड कर देंगे चक्कर में। लेकिन मैं गुजरात में हूं मुझे पता है है की की आवाम ने मन बना लिया है और हम एक ऑप्शन तौर पे वहां गए आज तक हम नहीं थे लोगों के पास विकल्प नहीं था आज अंजना जी गुजरात की आवाम के पास एक विकल्प है मजलिस इत्यादुल मुस्लिम और बिल्कुल हिसाब से मोहब्बत है लोगों की और वो मोहब्बत से वोट देंगे क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा कॉरपोरेशन में तीस सीट पर हम लड़े छब्बीस कॉरपोरेटर हमारे जीत के आए चालीस दिन में लोगों की मोहब्बत थी इसमें साथ तो हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई, भाई भाई जीते तो आपको इस मर्ता में यकीन है कि हमारे पास एक एजेंडा है सुधांशु जहास का एजेंडा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना है हमको हमारी आवाज होनी चाहिए विधानसभा में सुधांशु जी देखिए ये कह रहे हैं मैं भी गुजरात में हूं इस समय अहमदाबाद से बोल रहा हूं जो बोल रहे वारिस पठान साहब जानते हैं अंजना जी ये सब पार्टियां अपने अपने कारणों से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी को सिर्फ हैसियत अपनी जमीन बचानी है आम आदमी पार्टी को हैसियत बनानी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आग लगानी है सरकार सिर्फ भाजपा को बनानी है इसीलिए आपने तो देखा आज क्या हुआ ये नहीं दस नहीं या बारह सीटें लड़ रहे हैं और हल्ला इतना जोड़ दिया आग लगाने के लिए ये नया वाला जोड़ा आज आपने ओवैसी ओवैसी जी के लिए नहीं नहीं मैं उसी बिना इसीलिए तो मैं ये पहले बोल चुका था चूंकि अब ये सामने है तो अब दस बारह सीटों पर लेके केवल अब मजे की बात देखिए मैंने कैसे बोला इनका भी स्टेटमेंट याद करिए इन्होंने अपनी वाक्य बोला सेक्युलर वोट अगर पाना है और अगला सेंटेंस था मुसलमानों का वोट पाना है सेक्युलर वोट मतलब मुसलमानों का वोट और कौन बोल रहा है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन जिस पार्टी का नाम ही है मुसलमानों की एकता को समर्पित पार्टी वह सेकुलर का प्रतिनिधि नहीं नाम तो मुसलमीन है नाम में ना आदिवासी है ना नाम में शेड्यूल कास्ट है ना अन्य कोई है इसलिए नाम तो वो चेहरा ये है मुखौटा तो बोलने के लिए कोई भी आके बोलना शुरू कर देता है इसलिए मैंने कहा और आम आदमी पार्टी को देखिए एक सीट को लेकर मर हल्ला मचाए पड़े जैसे एक सीटों में एक ही सीट पर हार जीत हो गई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुल आज तक पिछले आठ साल में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं अंजना जी कल गृहमंत्री जी ने स्पष्ट किया एक दशमलव तीन प्रतिशत सीटों पर चुनाव लड़ी है वन पॉइंट थ्री परसेंट अब वन पॉइंट थ्री परसेंट पूरी की पूरी चली जाती है तो कौन सा असर पड़ने वाला है किसी भी पार्टी के ऊपर तो इसलिए इनको वन से आग लगानी है आम आदमी पार्टी 2.5 परसेंट के बाद यह बात इन्होंने सही कही दो लाख पैंतालीस हजार करोड़ का बजट है गुजरात का और तीन लाख पचहत्तर हजार करोड़ का अनाउंसमेंट कर चुके हैं उन्हें पता है कि वोट तो ढाई परसेंट था सरकार बनानी नहीं है हवाबाजी कुछ भी जाके बोल दो ठीक है